92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम में मैं आपके पास आ गया हूँ आज फिर अनूप जलोटा इस कार्यक्रम को लेकर। सहर कार्यक्रम आप सुबह सुनते हैं और मुझे विश्वास है कि इसमें जिस तरह की हम लोग बातें करते हैं, जिस तरह के भजन आपको सुनाते हैं, उससे आपका दिन बहुत सुंदर हो जाता होगा। मेरा तो बहुत हो जाता है जब मैं सुबह सुबह उठ के और आपके सामने भजन प्रस्तुत करता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो जब मुझे मिलता है तो मुझे विश्वास है कि आपको भी इसका आनंद आता होगा। ये भजन राग भोपाल तोड़ी में है। भोपाली और तोड़ी दोनों रागों को मिलाकर इस भजन को बनाया गया है। मेरे पिताजी ने इसकी रचना की है। जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, अब को जन्म और आगिलो तेरो, अब को जन्म और आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। यम को त्रास समय मिट जा तो, यम को त्रास समय मिट जा तो, भक्त नाम तेरो पर तो, ओ भक्त नाम तेरो पर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। सूरदास बैकुंठ पैठ में, सूरदास बैकुंठ पैठ में, को न फैट पकड़ तो, ओ को न फैट पकड़ तो, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। तो ये भजन आपने सुना, इसका आनंद लिया और अब आज का पंचांग सुनिए। इस पंचांग के बाद मैं आपके पास फिर आता हूँ एक और भजन लेकर, जिसमें से कोई विशेषता उसमें से ढूंढ लेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर अनूप जलोटा को सहर कार्यक्रम में। आज है 3 जून यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकम, दिन बुधवार और नक्षत्र है ज्येष्ठ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा के साथ सहर कार्यक्रम। जी हाँ, मैं बहुत आनंद लेता हूँ इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने में और यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसका आनंद लेते होंगे। एक आपको भजन सुनाता हूँ जो सूरदास जी का लिखा हुआ है। एक बार कुछ गोपियाँ आ गईं और उन्होंने आके यशोदा से कहा कि आपका जो बेटा है वो हमारे घर में बहुत चोरियाँ करता है, दही चुरा के ले जाता है, माखन चुरा के ले जाता है, और किसी एक ने जरा कटु शब्द भी कह दिए, थोड़े कठोर शब्द भी बोल दिए कन्हैया के लिए। तो देखिए यशोदा ने क्या कहा। गारी ना ही दीजो मोर गरीबनी को जायो है, गारी ना ही दीजो मोर गरीबनी को जायो है, गारी ना ही दीजो। यशोदा कहती हैं कि हमारे घर में तो दूध दही इन सब की न जाने कितनी मटकियां भरी पड़ी हैं और मैंने तो कभी इसको खाने को रोका ही नहीं, तो तुम लोग जो कह रही हो वो ठीक नहीं कह रही कि तुम्हारे घर आके इसने चोरी की। दधि की मटुकियां कुठरिया धरी रे, मैं तो काहू बातन ते ना ही तरसायो है, गारी ना ही दीजो। इसके बाद भी गोपियां नहीं मानी तो देखिए यशोदा ने क्या किया।
दधि की मटुकी भरी आंगन में लान धरी, दधि की मटुकी भरी आंगन में लान धरी, तौल तौल ली जो सब, तौल तौल ली जो सब, जे तो जाको खायो है, तौल तौल ली जो सब, जे तो जाको खायो है, गारी नाही दीजो, मुर गरीबनी को जायो है, गारी नाही दीजो। यशोदा के मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, बच्चे जैसा भी कि ये मेरा बच्चा है, और ये भी कि ये तो भगवान है, ये तो इष्ट देव है। एक ऐसा प्रेम यदि हम अपने मन में अपने गुरु के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति हृदय में अंकित कर लें, तो हमको कितने आनंद का अनुभव हो सकता है। क्योंकि एक समय आता है जब आपके माता पिता जब वृद्धावस्था की ओर जाते हैं तो वो आपके बच्चे हो जाते हैं, पहले आप उनके बच्चे होते हैं, और जिस प्रेम से उन्होंने आपको पाला है, बड़ा किया है, अब आपका फर्ज हो जाता है कि उन्हें भी उसी प्रेम से और उसी आदर के साथ उनका सम्मान करें, उनकी देखभाल करें। तो अब मैं आपके सामने आता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत स्थान के बारे में बात करने, और ये स्थान है कुरुक्षेत्र के पास ब्रह्म सरोवर। जी हाँ, ब्रह्म सरोवर बहुत ही सुंदर स्थान है जो कुरुक्षेत्र हरियाणा की धरती पर है, तो मैं उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जहाँ है ब्रह्म सरोवर। बहुत सुंदर इसकी कहानी है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्रह्मा जी ने जब ये निश्चय किया कि ब्रह्मांड का वे निर्माण करेंगे, तो उसके पहले उन्हें शुद्धिकरण के लिए पहले स्नान करना था, क्योंकि कोई भी यज्ञ किया जाएगा, कोई भी बड़ा काम किया जाएगा, तो यज्ञ से पहले स्नान करना आवश्यक है। तो उसी कुरुक्षेत्र के इलाके में एक बहुत सुंदर नदी नजर आई, और वहां उन्होंने स्नान किया, अपने को पवित्र किया, और उसका नाम ही पड़ गया ब्रह्म सरोवर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहां स्नान किया था। ऐसा कहते हैं कि वहीं से मानव सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन का आरंभ हुआ। ये वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया। कुरुक्षेत्र कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, एक तो ब्रह्म सरोवर की वजह से, और दूसरा भगवत गीता का ज्ञान वहां भगवान कृष्ण ने पूरे संसार को दिया। वर्ष में एक बार वहाँ गीता जयंती मनाई जाती है, जो नवंबर दिसंबर के समय में मनाई जाती है। बहुत भव्य आयोजन होता है, हजारों लाखों लोग आते हैं, दिए जलाते हैं और ब्रह्म सरोवर की लहरों में छोड़ देते हैं। हजारों लाखों दिए वहाँ जब ब्रह्म सरोवर में तैरते हुए दिखते हैं तो ऐसा सुंदर दृश्य होता है कि उसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते, वो देखना ही पड़ेगा। इस भव्य दृश्य को देखने के लिए लाखों लोग जगह जगह से आते हैं। आप भी समय निकालें और ब्रह्म सरोवर के दर्शन करें। तो अब लौटता हूं और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक बहुत अच्छी गायिका, उर्मिला मोहंती। उर्मिला मोहंती उड़ीसा की रहने वाली हैं और बहुत सुरीला गाती हैं। आपके सामने पेश करूंगा, आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक बहुत अच्छी गायिका को। आपका नाम है उर्मिला मोहंती, उड़ीसा की हैं और आज आप हमारे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये संगीत का शौक आपको कैसे लगा। सर, मुझे बचपन से ही संगीत का शौक है, 4 साल की उम्र से गाना गा रही हूँ। मम्मी पापा का बहुत सहयोग है और सबसे ज्यादा सहयोग है मेरे मामा जी का, उनका नाम बिभुदास जी है। तो आपने फिर कहाँ कहाँ संगीत की तालीम ली, सीखा कहाँ कहाँ? सर, मैं वैसे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से तालीम लिया। अरे वाह, मैंने भी वहाँ से संगीत प्रभाकर किया था।
जी सर, मैं बिलोंग्स करती हूँ वहाँ से, और ओडिशा से क्लास किया हुआ है, ओडिशा शौकीन संगीत विद्यालय से। मेरे गुरुजी हैं संदीप महापात्रा। चलिए, बहुत अच्छा हमको पता लगा आपने संगीत कहाँ कहाँ सीखा, तो अब आप कुछ हमको सुनाइए, क्या सुनाने की इच्छा है आपकी? सर मैं आज आपको एक राधा एक मीरा सुनाना चाहूंगी। बहुत बहुत प्रसिद्ध गाना है, और ये श्री रविन्द्र जैन जी का लिखा भी हुआ और उनका ही संगीतबद्ध है। सुनाइए। उर्मिला जी, आप तो कमाल का गाती हैं, और आपके अंदर जो शब्दों को पेश करने का जो तरीका है बहुत सुंदर है। हम सहर कार्यक्रम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। खूब नाम करिए और अपने माता पिता और अपने मामा जी का मान बढ़ाइए। और अभी आप सुन रहे थे उर्मिला मोहंती को। बने रहिए 92.7 बिग FM पर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ, और आनंद लीजिए सहर कार्यक्रम का इस गर्म मौसम में। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं ये सहर कार्यक्रम। मुझे उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा, और मैं आपके सामने मौजूद हूँ अनूप जलोटा। एक और भजन सुनिए, बहुत सुंदर, कबीर दास जी का भजन। भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना नर बाव रे, तूने हीरा जन्म गवाया। ये संसार फूल से मल का शोभा देख लुभाया रे, रह गए मर मिट बैल के नाई, भोर उठी उठ धाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना हो, भजन बिना, भजन बिना नर बाव रे, तूने हीरा जन्म गवाया। ये जग है माया का लोभी, ममता महल बनाया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना हो, भजन बिना, भजन बिना नर बाव रे, तूने हीरा जन्म गवाया, जन्म गवाया, जन्म गवाया रे। आज का सहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी सहर कार्यक्रम में 92.7 बिग FM पर। मत भूलिएगा मुझसे मिलना सुबह, मैं बिल्कुल समय पे आ जाऊंगा और आपका इंतजार करूंगा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7